हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन 1 to 7 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 1, ए बी सी, ए स्केयर बी स्केयर एंड सी स्केयर। हमें प्रूव करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कोई भी ऑपरेशन लगाना है, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। ऑपरेशन लगा के हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अब हम करेंगे अप्लाई। अब हमारे पास जब भी ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि 1 1 1 आ जाता है, हम तो क्या करते हैं, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, जीरो, और फिर थर्ड जो एलिमेंट होगा उससे हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड। अब किन्हीं भी दो को जीरो करने के लिए हमने क्या कर दिया, R1 माइनस R2, R1 में से R2 माइनस कर दिया और दूसरा ऑपरेशन लगा दिया R2 माइनस R3। R1 में से R2 माइनस करेंगे क्या आएगा, हम 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी तरह 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1c एंड सी स्केयर, एज इट इज लिख लिया। अब ये हमारे पास क्या है, 0 0 1, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर पे हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी, क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी ओपन करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह बी स्केयर माइनस सी स्केयर पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और नीचे हमारे पास क्या है, सी स्केयर। अब देखो इन दोनों में हमारे पास ये जीरो एलिमेंट है, ये ए माइनस बी है, इधर भी ए माइनस बी, पूरे में से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा आर वन से, और बी माइनस सी आर टू से कॉमन होगा। तो क्या लिखें, टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम आर वन एंड आर टू, आर वन और आर टू में से हमने ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन लिया। उसके बाद हमारे पास है 0 0 1, यहां भी क्या बचेगा 1, यहां भी 1 और यहां सी, यहाँ a माइनस बी बाहर गया, क्या बचेगा a प्लस बी, इधर b प्लस सी बचेगा, इधर सी स्केयर। अब हमारे पास थर्ड है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे। फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट्स तो हमारे पास पहले से जीरो है, हम किससे एक्सपेंड करेंगे, लास्ट एलिमेंट से। ये हमारे पास एलिमेंट क्या है, a 3 1, इट मीन्स थर्ड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की और b प्लस सी की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, b प्लस सी माइनस a माइनस b, b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस b, b माइनस c, ये क्या आ जाएगा, c माइनस a। यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड। इसी तरह आपके पास सेकंड पार्ट है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या दे रखा है, 1 1 1, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब फिर से किन्हीं भी दो को जीरो कर लेंगे, थर्ड से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हमने ऑपरेशन लगा दिया C1 पे, C1 माइनस C2 एंड C2 पे ऑपरेशन लगाया C2 माइनस C3। अप्लाई कर देंगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये 1 एज इट इज रहेगा, इधर क्या आएगा a माइनस b, इधर b माइनस c, इधर आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब, ये एलिमेंट हमारे पास सेम रहेंगे। अब यहां देखेंगे 0 0 0, a माइनस b, b माइनस c, c, ये सेम रहेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब की हमने प्रॉपर्टी ओपन कर दी, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये प्रॉपर्टी है, इसका हमने यूज किया। हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आएगा, ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, बी क्यूब माइनस सी क्यूब आएगा, बी माइनस सी, बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस बी सी, एंड लास्ट एलिमेंट एज इट इज आएगा सी क्यूब। टेकिंग कॉमन, अब हम कॉमन लेंगे इन दो, इस पूरे में से हमारे पास क्या कॉमन है, ए माइनस बी, इसमें से कॉमन क्या है, बी माइनस सी, कॉमन ले लिया हमने ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। 0 0 1 आ जाएगा, इधर 1 बचेगा, इधर भी 1, और ये सी, इधर से हमारे पास ये टर्म्स बचेंगी। अब एक्सपेंड कर देंगे, किससे करेंगे, आर 1 से, दो एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी 0 है, थर्ड से एक्सपेंड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, 1 3, इट मीन्स फर्स्ट रो को छोड़ देंगे एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज आएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए बी, बीच में माइनस आएगा इसके और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस हो जाएंगे सभी साइंस, माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ए बी,
प्लस बी स्केयर से माइनस बी स्केयर कैंसल। हमारे पास एलिमेंट क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और जो अंदर एलिमेंट्स बचे हैं अब उनको करेंगे हम सॉल्व। अंदर जो एलिमेंट्स उसमें क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये एलिमेंट्स बचे हैं हमारे पास, सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज प्लस बी सी माइनस ए बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसके ऊपर हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया, सी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, प्लस इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, बी। तो अंदर क्या बचेगा, सी माइनस ए। अब इसमें भी सी माइनस ए, इसमें भी सी माइनस ए, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अंदर एलिमेंट क्या बचेंगे, ये बचेगा सी प्लस ए, इधर से क्या बचेगा, बी। यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अप्लाई करेंगे, आर वन को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, आर टू को वाई से एंड आर थ्री को जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं हम सोल्व करेंगे। अब हम इसको देखो, एक्स वाई जेड, अगर जब हमने आर वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्केयर हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या होगा, एक्स स्केयर। इसी तरह अगर इसकी एक्स से करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, इधर वाई स्केयर, वाई क्यूब, एक्स वाई जेड, जेड स्केयर, जेड क्यूब, एक्स वाई जेड। देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन्हीं नंबर से, तो इन्हीं नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स वाई जेड। अब देखते हैं इसमें से, इस पूरे में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। कॉलम थ्री में से हमारे पास कॉमन है एक्स वाई जेड, कॉमन लेके आएंगे, यहाँ पे नोट करेंगे हम क्या था मल्टीप्लाई में, क्या था वन बाई एक्स वाई जेड, इससे ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगी टर्म, एक्स स्क्र एक्स क्यूब वन, वाई स्क्र वाई क्यूब वन, जेड स्क्र जेड क्यूब वन, ये हमारे पास टर्म बचेगी। अप्लाई कर देंगे, फिर से वही हमारे पास किन्हीं भी दो को जीरो करना है हमें। ठीक है, अब दो को जीरो करने के लिए आर वन माइनस आर टू एंड आर टू माइनस आर थ्री, ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। देखो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, X स्केयर। R1 हमारे पास क्या है, X स्केयर, R2 हमारे पास क्या है, Y स्केयर, X स्केयर माइनस Y स्केयर, इधर क्या आएगा, X क्यूब माइनस Y क्यूब, 1 माइनस 1 जीरो। फिर X स्केयर माइनस Y स्केयर पे हमने क्या लगा दिया, X माइनस Y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा ना हमारे पास, उसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, फिर x माइनस वाई, इधर क्या बचेगा x प्लस वाई, इस पे हम क्यूब वाला लगा देंगे, उसमें से भी कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास कॉमन होगा, ये पार्ट हमारे पास बचेगा। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स जीरो हैं, थर्ड एलिमेंट वन है, एक्सपेंड कर देंगे उठा के, ये हमारे पास जो एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट ए थ्री थ्री, थर्ड रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस वाई जेड, अंदर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस जेड वाई, माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई। मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई किसके साथ करेंगे, फिर वाई प्लस जेड किसके साथ करेंगे, हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक्स वाई स्केयर ये प्लस था, एक माइनस का भी मिलेगा हमें एक्स वाई स्केयर, फिर एक्स वाई जेड प्लस है, इधर हमारे पास एक्स वाई जेड माइनस है, वाई क्यूब प्लस था, वाई क्यूब माइनस है, वाई स्केयर जेड प्लस है, वाई स्केयर जेड माइनस है, इसी तरह हमारे कैंसिल हो गए। जो एलिमेंट्स बचे वो हमारे पास क्या है, एक्स जेड स्केयर प्लस वाई जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स स्केयर जेड। एलिमेंट्स को हमने इंटरचेंज कर लिया, एक्स जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर जेड प्लस वाई जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन है, एक्स एंड जेड, एक्स और जेड हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या बचेगा, जेड,
यहाँ पे एलिमेंट क्या बचेगा, माइनस एक्स। इसी तरह इनमें से हमने कॉमन क्या ले लिया, वाई। अंदर एलिमेंट क्या बचेगा, जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर को फिर से ओपन करेंगे, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, जो प्लस माइनस आएगा दोनों में सेम होगा, इसलिए माइनस वाले को कॉमन ले लेंगे। अंदर एलिमेंट क्या बचेंगे, एक्स जेड। इधर से क्या बच जाएगा, एक हमारे पास जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई जेड प्लस जेड एक्स, सॉरी वाई जेड प्लस वाई एक्स, क्या आएगा, वाई जेड प्लस वाई एक्स। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक्स प्लस फोर टू एक्स, टू एक्स टू एक्स, एक्स प्लस फोर टू एक्स, ये हमें दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम। अगर हम तीनों को प्लस करते तो क्या आएगा, 2x प्लस 2x, 4x प्लस एक्स, 5x प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास। इसलिए हम क्या करेंगे, रो पे लगाएंगे तब भी वही आएगा, कॉलम पे लगाएंगे तब भी वही आएगा। C1 पे हमने कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4, इन तीनों को प्लस करेंगे ये आ जाएगा, फिर भी ये आएगा, ये एज इट इज रहेंगे हमारे पास। पूरे में से C1 में से कॉमन ले लेंगे हम 5x प्लस 4 कॉमन, तो 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x, 2x 2x x प्लस 4। फिर वही कि नहीं, विदो को जीरो करना है और थर्ड से हमें एक्सपेंड करना है। R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास R1 में से R2 को माइनस किया है, R1 हमारे पास ये है एंड R2 ये है हमारे पास, R1 माइनस R2, 1 में से 1 गया 0 आ गया। 2x में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स होगा, माइनस 4, 2x में से x जाएगा x, माइनस 4, 2x में से 2x जाएगा 0। इसी तरह फिर इसमें से माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 0, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा, 4 माइनस एक्स, और 2x में से माइनस करेंगे x माइनस 4। नीचे एलिमेंट 1, 2x, x प्लस 4, फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे किससे, R3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, जीरो। क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4, इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस 4 का होल स्केयर, स्केयर है, स्केयर से बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो भी प्लस आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकेंड पार्ट, y प्लस के y, 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 y प्लस के y, 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 y प्लस के इज इक्वल टू के स्केयर 3y प्लस के। अप्लाई कर देंगे फिर से वही 1 2 3, इसमें भी ऐसे ही आएगा 3, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y प्लस के, इन तीनों को प्लस किया 3y प्लस के, इसी तरह इनको प्लस किया 3y प्लस के, दोनों एलिमेंट ये सेम रहेंगे C2 एंड C3। अब हमने क्या कॉमन ले लिया, 3y प्लस के हमने कॉमन ले लिया, तो क्या लिखेंगे, 3y प्लस के कॉमन, ये कॉमन आ गए, यहाँ क्या आएगा, 1 1 1, वाई वाई प्लस के वाई, वाई 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 प्लस के, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा। फिर वही हमारे पास के नहीं, भी दो एलिमेंट्स को हमें जीरो करेंगे, ठीक है। अप्लाई कर दिया R1 माइनस R2 एंड R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R3, ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y प्लस के हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स था, तो ये हमारे पास क्या है, 0 0 1, ये हमारे पास ऐसे ही रहेंगे। अब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस के की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, के स्केयर, और इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।